अच्छा हम कहते शेर इसलिए नहीं है कि हम खुद शेर हैं, लेकिन एक बार गुरु जोरदार तालियां झोंक दो तो एक दो शेर हम भी झोंक दें, मजा आ जाए तो आनंद लेना ठहाके लगाना। दादा जा रहे हैं, कुछ बच्चे भी जा रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने बच्चों को कवि सम्मेलन में भेज दिया, घर में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। एक शेर मुझे याद आ रहा, मजा आ जाए तो यहीं से तालियों का महोत्सव करना कि हम तो उनकी तिरछी निगाहों पे मर मिटे। अनुराग भैया कि हम तो उनकी तिरछी निगाहों पे मर मिटे, बाद में पता चला वो तिरछा ही देखती है। मजा आया तो एक शेर और झोंक दे। हम तो उनकी जुल्फों में दिल लगाए बैठे थे, हम तो उनकी जुल्फों में दिल लगाए बैठे थे, पास जाके देखा तो सरदार जी नहाए बैठे। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। ताली अगली पंक्ति पे झूम के उठनी चाहिए। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने भी मारा दाव हुआ मौलवी बेचित, मैं उसके बी के साथ वो मेरी बी के साथ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इधर वाले बड़े खामोश से भी लगी नहीं रहा, कभी सम्मेलन में बैठे कि विकास बोखल की तरह ही नहीं बैठे। अच्छा हमको लगता विधायक जी डर के मारे ये लोग ताली वाली नहीं बजा रहे, कभी कभी डर के मारे भाई साहब काम गड़बड़ हो जाता। एक बार एक मुर्गी फार्म में, मुर्गी फार्म का मालिक गया, उसने मुर्गियों से कहा देखो महंगाई बहुत बढ़ गई, एक अंडे में काम नहीं चलता, कल से सबको दो दो तीन तीन अंडे देने। सुबह देखा भाई साहब सबके नीचे दो दो तीन तीन अंडे, एक के नीचे कोई एक ही अंडा था। उसने उसका गर्दन पकड़ा, कहा तूने एक अंडा क्यों दिया? तो उसने कहा हुजूर ये तो आपका डर है जो एक अंडा हम दे दिए, नहीं हम तो मुर्गा है। एक बार तालियां बजा दीजिए, अगर मुर्गा बने बैठे तो कभी सम्मेलन मुसारे का आनंद नहीं आया। बहुत बढ़िया बढ़िया गजल के शेर गुले सभा जी पढ़ रही थी, पूरे तौर से आप आनंदित हो रहे थे। मैं थोड़ा और आनंद आपका बढ़ाना चाहता हूँ। और दुनिया का सबसे खुशनुमा मौसम जहाँ है नैनीताल, मैं आपको नैनीताल का सफर करवाना चाहता हूँ। हमारे मंच में भाई मोहन मुंतजिर जो बहुत बड़े रचनाकार हैं, बड़े मन से बड़े प्यार के साथ आप लोगों ने उनको बुलाया है, ये आपका सौभाग्य है जो मोहन मंत्री जी जैसा श्रेष्ठ रचनाकार आपके मंच पर है। नैनीताल से हमारे बीच में पधारे, मैं सिर्फ चार पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ूं, अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो मोहन मंत्री जी के सम्मान में दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों का महोत्सव करना और मेरे प्यारे भाई को माइक पर आमंत्रित करना। चार पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूँ कि मुझे ये क्या हुआ मैं किस कहानी तक चलाया। कौन बेचैन साहब की ये चार पंक्तियां हैं कि मुझे ये क्या हुआ, श्रीकांत दादा मुझे ये क्या हुआ मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। तालियां चौथी पंक्ति पे झूम के उठनी चाहिए। मुझे ये क्या हुआ मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया, और कन्हैया बन के मेरी उम्र ने झांका जो बचपन में, मेरा किस्सा यशोदा की मथानी तक चला आया। एक बार जोरदार तालियां भाई मोहन मुंतजिर नैनीताल। बहुत शुक्रगुजार श्रीकांत भैया का, आदरणीय पूर्व विधायक जी का। अभी गुले सभा आई थी वो मोहब्बत का पक्ष थी, मैं मोहब्बत का विपक्ष हूँ। वो आपको मोहब्बत का ख्वाब दिखा रही थी, मैं आपको मोहब्बत की सच्चाई बताऊंगा। यहाँ मेरे जितने नौजवान मित्र उपस्थिति रखते हैं, मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज करता चलूं कि जितनी देर मैं माइक पर हूँ, अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो आज के बाद कभी मोहब्बत में मात नहीं खाओगे। अध्यक्ष की अनुमति लेते हुए हाथ खोलना, हाथ खोलने में कोई शर्म नहीं है। आप जितना अच्छा सुनते हो तो कभी उतना अच्छा पढ़ता। अध्यक्ष की अनुमति लेते हुए एक मतलब दो शेर से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ, इस दरखास्त के साथ कि आज के बाद कभी मोहब्बत में गिड़गिड़ाना मत। लोग कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ एक बार की जाती है, मैं भी मानता हूँ कि मोहब्बत सिर्फ एक बार की जाती है, लेकिन उसके लिए साहब एक शर्त होती है। मोहब्बत में दो लोग होते हैं, मोहब्बत में दो लोग होते हैं, अगर दोनों वफादार हैं तो मोहब्बत एक ही बार करनी चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से एक भी बेवफा है तो मोहब्बत दूसरी बार भी की जा सकती है, मोहब्बत तीसरी बार भी की जा सकती है। और मेरा तो नाम भी मोहन है, मेरा तो मानना है कि मोहब्बत 16108 बार की जा सकती है। वाह, जब तक कि सच्ची मोहब्बत ना मिल जाए। मतलब पढ़ता हूँ सुनेगा, मुझे गीत तक पहुंचा दीजिएगा, 10 मिनट आपकी जिंदगी कीमती वक्त मांगता हूँ, सुनिए। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें,
मोहब्बत के रास्ते में चलते चलते जब सामने कोई दीवार आ जाए ना, तो उस दीवार पे अपना सर मारने से अच्छा है कि वहां से एक मोड़ ले लिया जाए और उस मोड़ के बाद चार रास्ते और खुल जाते हैं, उन चार रास्तों में से कोई एक रास्ता चुन लेना चाहिए। सुनिएगा, पढ़ता हूँ। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। क्या कहने, सिटी कौन बजा रहा है? ऐसा लग रहा आसाराम बापू जेल से छूट रहे हैं। नहीं 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 मेरे भाई, आप मुझे देखकर सिटी बजा सकते हो, मैं भी किसी शायरा से कम खूबसूरत नहीं हूँ। और यहाँ पे ये जो मोहल्ला ना, ये बीच का मोहल्ला, ये बहुत अच्छा सुन रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया है, उसी लड़की ने इस मोहल्ले को भी धोखा दिया है। अरे मोहन भाई क्या कहने बाबा। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे, प्यार में जान दे दें किसी के। मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लीजिएगा। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। प्यार में जान दे दें किसी के, इतने बुजदिल न थे और न होंगे। प्यार में जान दे दें किसी के, इतने बुजदिल न थे और न होंगे। हमको बख्शी है जो उस खुदा ने, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। क्या कहने बाबा। है जो उस खुदा ने, एक बात मैं आपको बता दूं, मितौली के लड़कों, मुझे विधायक साहब ने, पूर्व विधायक साहब ने बताया था कि और प्रदेश के लोग जब मोहब्बत में धोखा खाते हैं तो अपनी जान दे देते हैं, मोहब्बत में धोखा खाते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन ये मितौली के लड़के मोहब्बत में धोखा खाने के बाद एक सकारात्मक फैसला लेते हैं। अगर आपको लगे ये मुजीब भाई मुशर्रफ मीडिया से यहाँ पे आए हैं, कल ये पूरी दुनिया में आपका वीडियो देखा जाएगा। अगर आपको लगे कि आपका सब ये जो आपका सकारात्मक फैसला है मोहब्बत में धोखा खाने के बाद, अगर मैंने आपके मन की बात कह दी हो, तो इस बार आपकी देशभक्ति को भी प्रणाम करना चाहता हूँ और अपने लिए तालियां बजाना। ये मैं शेर सुने। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, हमको फौजी बना डाला अब हम। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, हमको फौजी बना डाला अब हम। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, हमको फौजी बना डाला अब हम। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत करेंगे। भाई क्या कहने बाबा, बहुत अच्छे भाई। तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत करेंगे। ये आपकी तरफ से मुझे पढ़ा था, मैंने पढ़ दिया। मैं अपनी तरफ से पढ़ता हूँ, गीत तक पहुँचने जाता हूँ साहब। वो गीत, उस गीत तक मुझे पहुँचा दो, यकीन मानना हफ्तों तक आपको नींद नहीं आएगी। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ उस गीत तक पहुंचने की। सुनिए, यहाँ जितने मेरे नौजवान भाई तशरीफ रखते हैं, यहाँ जितने नौजवान दिल जले तशरीफ रखते हैं, वाह कुछ तो जले भुने हैं, थोड़ी देर के लिए आना, यहाँ से अपना कायपाट आरंभ करता हूँ। सुनेगा, जो मैं पीछे पड़ा होता पलट कर वार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती। रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की, रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की, अगर इजहार कर देता तो वो इनकार कर देती, अगर इजहार कर देता तो वो इनकार कर देती। मुझे देखेगी जब पल के झपक ना भूल जाएगी,
चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, मोहब्बत होगी जब मुझसे सवरना भूल जाएगी। मोहब्बत एक बात मैं आपको ये भी बताते चलूं कि अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि इस दुनिया में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्योंकि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई प्यार कर सकता है तो वो है आपके माँ बाप। वाह भाई तालियां। वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। अगर माँ बाप के लिए किसी को भी छोड़ना पड़े तो संकोच मत करना। चार पंक्तियां और निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां घर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, कभी भी लड़कियां घर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं। तो हम भी मेरे नौजवान भाइयों थोड़ा सा साथ देना, थोड़ी सी अपनी हिचक खोलना। ये जो मैं आपको आज बता रहा हूँ आपके कोर्स में नहीं पढ़ा जाएगा। चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ गीत की, उस गीत की भूमिका में। मेरा एक दोस्त था जिसने लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी, और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तभी चार पंक्तियां मैंने कही जो मेरी जिंदगी का उद्देश्य बन गई। कुछ मत ले जाना यहाँ से, चार पंक्तियां अपनी जिंदगी में उतार लीजिएगा, सुनिए। स्वागत है मोहन भाई। वाह। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। बहुत अच्छा भाई, एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन की आ जाए। वाह वाह, बहुत अच्छा मोहन भाई, क्या कहना। मुझे मालूम मेरे भाई कि आप सब लोग यहाँ पे गीत सुनने के लिए बैठे हुए हो, लेकिन इस गीत की तमीज में मुझे सब कुछ पढ़ना था। आइए वो गीत पढ़ता हूँ, उसका उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। लेकिन इस गीत में पूरा मन दीजिएगा, पूरा गीत में सुना सकूँ आपको, सुनिए। बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, अगर कर बैठोगे इजहार मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी, पड़ेगी तन्हाई की मार, पड़ेगी तन्हाई की मार, खफा हो जाएंगे सब यार, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। यकीन मानना, एक आदमी के सर पर दो औरतें हाथ फेरती हैं, एक उसकी माँ और एक उसकी प्रेमिका। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब प्रेमिका हाथ फेरती है तो बाल झड़ते हैं। और यहाँ तो कुछ लोग ऐसे बैठे हुए जिनके सर पर मोहल्ले के पता नहीं कितने लड़कों की प्रेमिकाओं ने हाथ फेर रखा है। मैदान एकदम सपा चट। गीत का अगला बंद पड़ता, सुनिए अपने काम आएगा। पहले तो वो शर्माएगी, धीरे धीरे मुस्काएगी, पहले तो वो शर्माएगी, धीरे धीरे मुस्काएगी, दीवाने जब हो जाओगे पागल खाने भिजवाएगी,
हकीकत है ये बरखुरदार, हकीकत है ये बरखुरदार, तजर्बा बोल रहा है यार, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी, बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, अगर कर बैठोगे इजहार मोहब्बत डस ले। यार एक मेरी बात का यकीन मानना मेरे भाई, हम लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है और लड़कियों का दिल बहुत छोटा होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि हार्ट अटैक से कभी किसी महिला की मृत्यु नहीं होती, हार्ट अटैक से सिर्फ आदमी मरता है साहब। एक लड़की 150 रुपए की सैंडल खरीदेगी और पूरे मोहल्ले में जाकर गा गा कर सुनाएगी, देख मैंने 150 रुपए की सैंडल खरीदी है, देख मैंने 150 रुपए की सैंडल खरीदी है, अरे शीला देख मैंने 150 रुपए की सैंडल खरीदी है। और एक हम लड़के साहब 5000 रुपए की बियर पी कर आते हैं और घर में जाकर चुपचाप सो जाते हैं। अरे भाई बहुत अच्छा, मोहब्बत डस लेगी मोहब्बत। मेरे ये मुशारा मीटिंग से मुजीब भाई तशरीफ रखते हैं, मैं एक बार इनके घर में गया तो उन्होंने कुत्ता पाल रखा था साहब। मैंने कहा मुजीब भाई जो आपने जो आपने कुत्ता पाल रखा है ये तो एकदम शेर की तरह लग रहा है। बोले मोहन भाई गौर से देखो ये शेर ही है, बस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। मोहब्बत मोहब्बत डस लेगी, बन सुनाता हूँ सुनेगा। जब यादें पर लहराएंगी नींदें तेरी उड़ जाएंगी, जब यादें पर लहराएंगी नींदें तेरी उड़ जाएंगी, जागोगे रातों को उठकर आंखें दुखने लग जाएंगी, बढ़ेगी धड़कन की रफ्तार, बढ़ेगी धड़कन की रफ्तार, लगोगे चेहरे से बीमार, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। डाइस पर मंच पर मोनिका देलू जी उपस्थिति रखते हैं। जब अभी हम आए थे ना मैगलगंज में आए थे तो एक लड़का इनको बड़े घूर के देख रहा था, तो पहले तो मोनिका जी ने बर्दाश्त किया साहब, उसके बाद जब मोनिका जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मोनिका जी ने उसकी तरफ देखा और बोला क्या घूर के देख रहा है, एक थप्पड़ अगर मारूंगा तो लखीमपुर खीरी जाके गिरेगा। अच्छा लड़का भी मितौली का समझदार लड़का होगा, बोला मैडम थोड़े धीरे मारना मितौली उतरना है। मोहब्बत डस लेगी। ये अमित भैया है, अमित भैया ये एक बार आए मेरे पास बड़े उदास, बोला मोहन भाई बहुत उदास हो। मैंने कहा भाई क्यों उदास हो, बोला अमित भाई ये बोले मोहन भाई मत पूछो क्यों उदास हो, मैंने कहा बता दे भाई क्यों उदास है, बोला यार मेरी गर्लफ्रेंड ना एक किस करने का 50 रुपए लेती है। मैंने कहा भाई तू तो बहुत खुश नसीब है, मोहल्ले के लड़कों से पूछ 250 लेती है। मोहब्बत डस लेगी, बंद पर्दा सुनेगा। पीछे उसके पड़ जाओगे जिद पर अपनी अड़ जाओगे, पीछे उसके पड़ जाओगे जिद पर अपनी अड़ जाओगे, एक लड़की की खातिर अपने घर वालों से लड़ जाओगे, तबाह हो जाएगा घर बार, तबाह हो जाएगा घर बार, लुटा बैठोगे कारोबार, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। एक वक्त था साहब जब राष्ट्रपति भवन से लेकर नगर निगम तक हर एक ऊंचे पद पर महिलाएं काम करती थी। अच्छा मैंने एक बार शोध किया कि क्या कोई ऐसा सरकारी दफ्तर है जहां पर महिलाएं काम नहीं करती, तो बहुत शोध करने के बाद मालूम चला कि एक ऐसा दफ्तर है जहां पर महिलाएं काम नहीं करती और वो दफ्तर था दमकल विभाग यानी कि फायर ब्रिगेड, जो जाकर घरों में आग बुझाते हैं। मैंने विकास भैया से कहा, विकास भगत साहब से, कि विकास भैया कि इस दफ्तर में महिलाएं काम क्यों नहीं करती, तो विकास भैया ने कहा मोहन भाई औरतों का काम आग बुझाना थोड़े ना होता है, औरतों का काम तो आग लगाना होता है, मोहब्बत डस लेगी। अच्छा आपको मेरी बात का बिल्कुल यकीन नहीं होगा, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जो आप लोग को भी मालूम है, जो आपके साथ घटित हुआ होगा साहब। एक कल्पना करना कि आप एक बस में सफर कर रहे हो, कि हम लड़कों का दिल कितना बड़ा होता है। आप एक बस में सफर कर रहे हो और कुछ देर के बाद आपके बगल वाली सीट में आकर एक सुंदर सी महिला बैठ जाती है, बस जो है थोड़ी दूर और जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद क्या होता है कि आपकी आंख लग जाती है और आपका सर उसके कंधे पे टिक जाता है। कसम भगवान की वो गाली आपको सुनाएगी जो आपने आज तक कभी सुनी नहीं होगी, इतना छोटा दिल होता है महिलाओं का। और एक हम लड़कों का दिल देखना साहब, इसका उल्टा कर दो, बस थोड़ी दूर सफर कर रही हो और उस महिला को नींद आ जाए,
कसम से आपको लखीमपुर जाना होगा, टीटी से दिल्ली तक का टिकट कटवा लोगे। मोहब्बत कस लेगी। देखो जी, इस दुनिया में दो तरह की लड़कियां होती हैं। अपना स्थान लेता हूं, लेकिन यार मितौली वालों, आपका बहुत मैं नाम सुना है, इस बार विदा ऐसे कर देना तालियों से कि मजा आ जाए। दो तरह की लड़कियां होती हैं साहब, एक वो जो मोहब्बत में किसी लड़की की जिंदगी तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, एक वो जो मोहब्बत में किसी लड़की की जिंदगी आबाद कर देती है, बना देती है। वो लड़की जो मोहब्बत में किसी लड़की की जिंदगी तबाह कर देती है, वो 100 में से कोई एक होती है। बाकी 99 लड़कियां वो होती हैं जो मोहब्बत में किसी लड़की की जिंदगी बना देती है। ये बंद उस एक लड़की के खिलाफ है। सुनने के यहां सब पढ़े लिखे लोग, होठों पर हां भी होती है पर दुश्मन जा भी होती है, होठों पर हां भी होती है पर दुश्मन जा भी होती है, सब मीरा बाई नहीं होती, कुछ राधे माँ भी होती है। बहुत अच्छे भाई, बाबा बहुत मेरे भाई, आपने इस बंद को समझ लिया, मैं समझ गया कि आप पढ़े लिखे हैं, आप अमित अनपढ़ नहीं है। होठों पर हां भी होती है पर दुश्मन जा भी होती है, सब मीरा बाई नहीं होती, कुछ राधे माँ भी होती है। बड़ा रंगीला है बाजार, बड़ा रंगीला है बाजार, बचा कर रखिएगा किरदार, मोहब्बत डस लेगी।